अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमने कल पढ़ना था, लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। आज हम जल्दी जल्दी पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ट्यूबरक्लोसिस का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, दैट इज सार्कोइडोसिस, उसको करेंगे। उसके बाद मंडे को लास्ट लेक्चर होगा रेस्पिरेटरी का, फिर इंशाल्लाह हम सीएनएस स्टार्ट करेंगे। ओके पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेज नंबर 619 पर है, डेविडसन के 23rd एडिशन 619। पल्मोनरी एम्बोलिज्म करने से पहले हम देखते हैं कि एम्बोलिज्म का सोर्स क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, और यहाँ पर पल्मोनरी का जो वर्ड यूज किया गया है वो किस रेफरेंस से यूज किया गया है। ठीक है। अच्छा, जैसे निमोथोरिक्स कल हमने एक इमरजेंसी सिचुएशन पढ़ी थी ना, ऐसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। जैसे निमोथोरिक्स के अंदर पेशेंट डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी ब्रीदिंग के साथ, और साइंस ऑफ डिस्ट्रेस और साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करता है, हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करता है, इसी तरह पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी पेशेंट ऐसे ही प्रेजेंट करता है। लेकिन हम फर्क ऑस्कल्टेशन और वो जो क्लिनिकल एग्जाम होता है ना उस पर कर लेते हैं निमोथोरिक्स का। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा सोर्स है जहां से जो हमारी बॉडी में कोई ऐसा सोर्स है जहां से कोई थ्रोम्बस जो है वो एम्बोलस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी में आके लॉज कर रहा है, या राइट वेंट्रिकल में या राइट हार्ट में आके लॉज कर रहा है, रिजाइड कर रहा है। अब कहाँ कहाँ से आ सकता है, आपको पता होगा देयर इज अ टर्म नोन एज डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वेनस सिस्टम में कोई भी थ्रोम्बस होगा वो जो है एम्बोलस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपको याद होगा पैथोलॉजी में 3rd ईयर में हम पढ़ते थे फेट ऑफ थ्रोम्बस, जिसमें हम पढ़ते थे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है उसकी, और उसकी एम्बोलिज्म हो सकती है, और रीकैनलाइजेशन हो सकती है। ये 3-4 चीजें हम पैथोलॉजी में पढ़ते थे। अब जो हम थ्रोम्बस का फेट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एम्बोलस। हो क्या रहा है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि जो हमारा वेनस सिस्टम है वो सुपरफिशियल और डीप वेन्स में कन्वर्ट है। तो जो हमारी डीप वेन्स है जिसके अंदर एक्सटर्नल आइलिक वेन, कॉमन आइलिक वेन, फेमरल वेन आती हैं, वहां पर थ्रोम्बोसिस हुई हुई है। और थ्रोम्बोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो प्रोकॉगुलेंट है, वो सारी चीजें जो कॉगुलेशन ज्यादा कराती हैं। अब वो रिस्क फैक्टर्स क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज, ठीक है, और कंजेनिटली एंटीथ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी। ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी सर्जरी, मेजर सर्जरी इन्वॉल्विंग लिम्ब्स, ठीक है, बोन का फ्रैक्चर, वहां से फैट एम्बोलिज्म जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोकॉगुलेंट होगी वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को प्रमोट करेगी। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से वेरिकोसिटीज बनती हैं वेन्स के अंदर, वेन्स डायलेट करती हैं और उनके अंदर स्टेसिस होती है, और स्टेसिस एक रिस्क फैक्टर होता है प्रोकॉगुलेशन का या कॉगुलेशन का। ये सारी चीजें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को लीड करती हैं। अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से क्या होगा, वही वहां से थ्रोम्बस जो है वो वहां से अलैदा होगा वेसल वॉल से, और वो ट्रेवल करता हुआ, जैसे ब्लड वेन्स का हार्ट के अंदर आना होता है, वो वैसे ही ट्रेवल करता करता राइट हार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर तो वो बहुत बड़ा है तो वो राइट हार्ट को पूरा का पूरा ब्लॉक कर सकता है, अगर वो छोटा है तो वो राइट हार्ट से राइट वेंट्रिकल में आएगा, जब तो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड लेके जाना होता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज इन टू द लंग्स। अब वो क्या करेगा, जहां उसको कोई नैरोइंग पार्ट मिलेगा, जहां थोड़ी सी माइल्ड सी कंस्ट्रिक्शन मिलेगी उसको, वो वहां पर लॉज हो जाएगा, ठीक है। अब वो हो गया है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर लॉज, उसने पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब बैक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है,
पल्मोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगी, ठीक है, और बैक एक थ्रोम्बस वहां पर एम्बोलस होने की वजह से, और बैक प्रेशर बढ़ेगा, राइट हार्ट का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब राइट हार्ट का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो राइट हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, इसलिए पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट करता है या कोलैप्स के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब फिर वही बात आ गई जो कल हमने नीमोथोरेक्स में बात की थी, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट नहीं बन रहा है, ठीक है। एक जो वेन्स ने एम्प्टी होना होता है हार्ट के अंदर, जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा, जो कि नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं होता है, जब बढ़ जाएगा तो वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो पेशेंट वही हाइपोटेंशन, साइनोसिस, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, और फिर डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा, और प्लूरिटिक चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, और बहुत सीवियर चेस्ट पेन होती है इसमें पेशेंट को। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई कि एम्बोलस आ कहाँ से रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसका सोर्स है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो पेशेंट की हिस्ट्री क्या होती है, डिस्निया, चेस्ट पेन, और एक्सरे नॉर्मल, और चेस्ट फाइंडिंग्स कोई भी नहीं है, मतलब कोई हमें ऑस्कल्टेशन पे कुछ नहीं मिल रहा, नॉर्मल मिल रहा है सब कुछ, और लेकिन पेशेंट को लेग पेन है, यूनिलेटरल लेग पेन है या यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग है, ये एक रिस्क फैक्टर बता देंगे आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, जब भी सिनेरियो आएगा। मैंने जितने रिस्क फैक्टर बताए ना, आपने बस अपने क्वेश्चन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कोई ना कोई प्रोकोगुलेंट रिस्क फैक्टर ढूंढने की कोशिश करनी, ओसीपीज का यूज, पेशेंट को एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी है, पेशेंट जो है उसकी कोई रीसेंट सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है, पेल्विस की सर्जरी हुई है, कोई पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, ये सारी चीजें एम्बोलिज्म को लीड कर सकती हैं। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स में उन्होंने ना तीन चार बातें लिखी हुई हैं कि जब हमने डायग्नोस करना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है क्या वो कंसिस्टेंट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है जो अभी मैंने आपको बताई है, दैट इज डिस्निया, चेस्ट पेन, और सर्कुलेटरी कोलैप्स। जब बहुत ज्यादा सीवियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो बहुत सीवियर सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, पेशेंट राइट हार्ट फेलियर में जा सकता है। सेकेंड चीज आपने देखनी है, डज द पेशेंट हैव रिस्क फैक्टर्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और वो जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको सारे बताए हैं, वो सारे रिस्क फैक्टर्स आपको, आपने सारे नहीं याद रखने, एटलीस्ट कुछ याद होने चाहिए आपको। देयर इज अ क्राइटेरिया नोन एज मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर किसी पेशेंट को रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, ओसीपीज का यूज है, कोई कैंसर का पेशेंट है, तो उन सब में ये प्रोकोगुलेशन के रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, एंड आर देयर एनी अल्टरनेटिव डायग्नोसिस दैट कैन एक्सप्लेन द पेशेंट्स प्रेजेंटेशन, तो अल्टरनेटिव डायग्नोसिस इस प्रेजेंटेशन के क्या हो सकते हैं, नीमोथोरेक्स, सबसे क्लोजेस्ट जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, दैट इज नीमोथोरेक्स, ठीक है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम ऑस्कल्टेट करेंगे पेशेंट की चेस्ट, हम परकशन करेंगे, हमें वो हाइपर रेजोनेंट नहीं मिलेगा, हमें ऑस्कल्टेशन में जो फाइंडिंग्स मिलती हैं निमोथोरिक्स में वो नहीं मिलेंगी, एक्सरे हमें नॉर्मल मिलेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, जो हमें जेट ब्लैक अपेयरेंस निमोथोरिक्स की मिलती है वो नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो हमारी सस्पिशन रेज होती जाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, जब हमें ये फाइंडिंग्स मिल रही होती है। अच्छा, इस पेज पे उन्होंने ना एक टेबल बनाया हुआ है 17.83, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देती हूँ उन्होंने लिखा क्या हुआ है। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि तीन में डिवाइड कर दिया उन्होंने, अक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, अक्यूट स्मॉल में, और फिर क्रॉनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। क्रॉनिक को जरा निकाल दो, पहले अक्यूट मैसिव पे आ जाओ, अक्यूट स्मॉल पे आ जाओ। अक्यूट स्मॉल जो होगा वो इतना ज्यादा सर्कुलेटरी कलैप्स नहीं कराएगा, वो पेशेंट को हाइपोटेंशन में नहीं लेके जाएगा, शॉक में नहीं लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल है, सम ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, उसने एक मेजर पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक नहीं किया है, उसने जो है सेगमेंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी या किसी ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया है, अक्यूट स्मॉल की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको चेस्ट पेन मिलेगी, डिस्निया मिलेगा, और मे बी हिमोप्टेसिस हो सकती है, ठीक है। और साइंस में हमें जो है क्योंकि अब अक्यूमुलेशन हो रही है ब्लड की, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर रेज हो रहा है, तो आपको ये क्रैकल्स और इफ्यूजन और ये चीजें मिल सकती हैं, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले साइंस जो है अपने याद करने के लिए रख सकते हो बस। अब अक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे आ जाओ, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि मेजर जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो ब्लॉक हो गई है, इतना बड़ा एम्बोलस है,
उसमें पेशेंट फॉरन सर्कुलेटरी कोलैप्स में चला जाएगा, हाइपोटेंशन होगी, शॉक में चला जाएगा, जेवीपी रेज हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है, गैलप जो है वो आना, गैलप रिदम आना शुरू हो जाएगा और हाइपोटेंशन में चला जाएगा, ठीक है, और साइनोसिस होगा पेशेंट को। जब शॉक होता है ना, शॉक का सबसे इंपॉर्टेंट साइन इज ऑलिग यूरिया, यूरिनरी आउटपुट लेस देन 500 ml हो जाए तो ऑलिग यूरिया लेबल कर देते हैं, और ये शॉक का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। हम यूरिन से ही यूरिन आउटपुट को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हाइपोटेंशन है ना, जो ब्लड प्रेशर है, वो हमारा शॉक के अंदर एंड तक मेंटेन रहता है, लास्ट स्टेज तक हमारा हार्ट ये ट्राई करता है कि किसी ना किसी तरह रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। लेकिन जो यूरिनरी आउटपुट है ना, वो आपको स्टार्ट में ही इतना अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है कि वो बता देगा कि ये पेशेंट जो है शॉक में जा रहा है। तो डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब भी सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है या पेशेंट शॉक में जा रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब क्रॉनिक जहां पे भी वर्ड आ जाता है ना, उसका मतलब पेशेंट इज स्टेबल, लेकिन पेशेंट के अंदर फीचर्स आ रहे हैं क्रॉनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, तो पेशेंट की अक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं होगी, पेशेंट की लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होगी। और ये सिर्फ आपकी ना टाइप्स के लिए कोई अगर सुन ले तो इम्पोर्टेंट है, वरना आपको एक ही तरह से क्वेश्चन आता है अक्यूट प्रेजेंटेशन का, वरना नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब चेस्ट एक्सरे में याद रखो, यूजुअली चेस्ट एक्सरे, बल्कि मोस्टली चेस्ट एक्सरे जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नॉर्मल मिलती है, ठीक है, नॉर्मल मिलता है, कोई फीचर नहीं मिलता, तो सस्पिशन रेज हो जाता है। हम चेस्ट एक्सरे करवाते ही इसलिए हैं ताकि हम नीमोथोरिक्स को एक्सक्लूड कर सकें, क्योंकि नीमोथोरिक्स हमें पता चल जाता है ना एक्सरे पे कि वो जेट ब्लैक अपेयरेंस है, तो हम उसको एक्सक्लूड करने के लिए जो है चेस्ट एक्सरे करा रहे होते हैं। समटाइम्स अगर क्रॉनिक चल रहा है तो देयर मे बी एनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक, क्रॉनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एम्बोलस की वजह से वो डायलेट कर सकती है और एनलार्ज मिल सकती है आपको एक्सरे के ऊपर, और समटाइम्स आपको प्लूरल इफ्यूजन मिल सकती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। अच्छा, अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट एक्सरे इज द मोस्ट यूजफुल। अभी मैंने जो रीजन बताई है ना, आगे इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस में वही बताई हुई है कि क्या रीजन है। इज मोस्ट यूजफुल फॉर एक्सक्लूडिंग की डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया और नीमोथोरेक्स, ठीक है, क्योंकि ये आपने ये बात याद रखनी है कि चेस्ट एक्सरे यूजुअली नॉर्मल होता है, ठीक है, और अगर आपसे कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स जो कि बहुत रेयर हैं आपको एक्सरे पे मिले, वो क्या होती हैं, देर इज अ फिगर 17.66 ऑन पेज नंबर 619, तो इसमें आपको पल्मोनरी इफ्यूजन मिल सकती है, और वेज शेप्ड ओपेसिटी इज इम्पॉर्टेंट अगर कोई पूछ ले, ठीक है, इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी मिल सकती है, और एलिवेटेड हेमी डायफ्राम मिल सकता है। इसमें से तीन चार फीचर्स आप लोगों ने याद कर लेना है। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही सारा क्यूमुलेट हो रहा है और लंग्स के अंदर कम जा रहा है। ऑलिगीमिया का मतलब होता है लंग्स के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, उससे पहले पहले ही पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर रेज हो गया ना, उससे आगे जा ही नहीं रहा है, वहीं पर कंजेशन हो गई या पल्मोनरी कंजेशन, जिसकी वजह से रेल्स आना शुरू हो गई या क्रैकल्स आना शुरू हो गए हैं, इफ्यूजन डेवलप हो गई है, लेकिन बाकी जो लंग्स हैं वहां पर आगे प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही है। तो ऑलिगीमिया का मतलब ये होता है कि डिक्रीज ब्लड, और इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी डायलिटेशन होती है बाय थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलस की वजह से, प्लूरल इफ्यूजन वो जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर रेज हो रहा है उसकी वजह से होती है, अगर कोई पूछ ले, वरना ये आपको नॉर्मली जो चेस्ट एक्सरे है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, वो नॉर्मल मिलता है। अच्छा, ये बात हो गई एक्सरे की, अब वो बात आती है ईसीजी की। ईसीजी इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के दो एमसीक्यूज आते हैं ईसीजी के, वो पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट नॉर्मल पैटर्न ऑफ ई सी जी इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और एक पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक पैटर्न, और जो जो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन स्पेसिफिक कौन सा होता है। तो जो मोस्ट कॉमन है ना फाइंडिंग इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दैट इज टेकीकार्डिया मिलेगा आपको, ठीक है,
और हमने ईसीजी में सीखा भी था ना कि कैसे हम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं ईसीजी को देख के, तो साइनस टैकीकार्डिया मिलेगा, दैट इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ईसीजी। और जो स्पेसिफिक होती है, जो डायग्नोस्टिक होती है, दैट इज S1 Q3 एंड T3 पैटर्न। मतलब के लीड 1 में और लीड 3 में चेंजेस आती हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ये दो बातें बस आपने याद रखनी है ईसीजी की। फिर उसके बाद है एबीजीज। एबीजीज आपने करानी है। एबीजीज का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैसेस। हम रूल आउट करते हैं इसमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। जब पेशेंट डिस्निया में तो होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, तो उसके अंदर इसकी डिस्टर्बेंस होती है, तो आपने इसको रूल आउट करना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दैट इज सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, CTPA। ठीक है, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस है। ठीक है, ये आपको छोटे से छोटा भी अगर कोई एम्बोलिज्म है और अगर कोई और अल्टरनेटिव डायग्नोसिस है तो ये उसको भी रूल आउट कर देता है। ये एक्सटेंट बताता है कि कहाँ तक एम्बोलाई गया हुआ है, कहाँ तक ब्लॉकेज है, क्या साइज है उसका, उसने कहाँ कहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, ये सारी चीजें बताता है। तो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हमें जो इस दफा प्रॉफ में आया हुआ था ना, वो ये आया हुआ था कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस क्या होगा। तो सीटी स्कैन, ड्यू टू सीटी स्कैन की जो रेज होती है ना, मतलब जो इसकी इंटेंसिटी होती है, ये 500 टाइम्स ऑफ एक्सरे होती है। ठीक है, एक सीटी स्कैन की, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो CTPA जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में हमने VQ स्कैनिंग करानी होती है। VQ स्कैनिंग क्या होती है? वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैनिंग। ठीक है, दो कंडीशंस आती हैं जिसमें ना CTPA कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि सीटी जो होता है, सीटी स्कैन अब कर रहे हो आपने, कोई ना कोई कंट्रास्ट डालना है, तो दैट इज नेफ्रोटॉक्सिक यूजली। तो वो जो पेशेंट रीनल फेलियर के होते हैं, जिनका क्रिएटिनिन ऑलरेडी रेज्ड होता है, जिनका GFR कम होता है, तो उनके अंदर ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी। तो उनके अंदर आपने VQ स्कैनिंग करानी होती है। व्हाट इज VQ स्कैनिंग, और VQ स्कैनिंग क्यों चेंज होती है? VQ स्कैनिंग का मतलब है वेंटिलेशन टू परफ्यूजन रेशियो। ठीक है, अब हो क्या रहा है, पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो गई है तो लंग्स की फील्ड में, जैसे हमने बात की, ओलिगीमिया हो गया, मतलब लंग्स में प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो होगी लंग की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो VQ स्कैनिंग फिर आप कराते हो पेशेंट्स के अंदर। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट लाइन नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर पूछा जाए तो दैट इज CTPA। और VQ कब कराना है, और ये गाइनी ऑब्स का भी क्वेश्चन है, CTPA और VQ स्कैनिंग वाला। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि डी डाइमर का क्या रोल आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। बेसिकली डी डाइमर जो है ना, ये एंड प्रोडक्ट है जो फाइब्रिन की ब्रेकडाउन से बन रहे होते हैं। फाइब्रिन का जो मैश बना होता है ना थ्रोम्बस का, एम्बोलस की वजह से उसकी जो ब्रेकडाउन होती है एंड पे प्लाज्मिन की वजह से, उसके एंड पर जो एंड प्रोडक्ट होता है, दैट इज डी डाइमर्स। लेकिन डी डाइमर्स ना और भी बहुत ज्यादा कंडीशन में रेज हो रहे होते हैं, जैसे सेप्सिस के अंदर, निमोनिया के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। तो ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन अगर डी डाइमर्स का लेवल है ही नहीं पेशेंट के अंदर, डिक्रीज है, तो इसका मतलब उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है। ठीक है, ओके, डी डाइमर्स भी हो गए, CTPA भी हो गया, और VQ स्कैनिंग भी हो गया। ये सारी थी इसकी इन्वेस्टिगेशंस। देयर इज अ फ्लो चार्ट जो उन्होंने सारा ना आपको बताया हुआ है कि आप कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हो, जो हमने सारी चीजें अभी डिस्कस कर ली हैं। उन्होंने कहा है सबसे पहले क्लिनिकल रिस्क वैल्यूएट करें, मतलब आप क्लिनिकल फैक्टर्स को निकालें पेशेंट के अंदर। कोई पेशेंट ओसीपीज ले रहा है, कोई सर्जरी हुई है रिसेंट, या MI का पेशेंट है, या DVT है पेशेंट को, ये रूल आउट करें। फिर देखो कि डी डायमंड नेगेटिव है और रिस्क लो है। ठीक है,
अगर तो फिर आपने ना उसको डीवीटी नहीं है ना उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये रूल आउट हो गया। लेकिन अगर डी डायमेड पॉजिटिव है फिर आपने देखना है रिस्क हाई है या रिस्क लो है, ठीक है। वो रिस्क हाई और लो का मतलब है रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट है या नहीं। अगर हाई है तो फिर आप कंफर्म करते हो डायग्नोसिस, और रिस्क लो है तो फिर आप अदर इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हो, जो कि सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम है, वीक्यू स्कैनिंग है, और अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड लेग कराते हो। ये जो क्वेश्चंस है ना कि ब्लड वेसल को देखने, वैसे तो हम सीटी स्कैन चेस्ट का करा सकते हैं, लेकिन हमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी लोकेशन के, उनके अंदर अगर कोई इश्यू है तो कौन बताएगा? तो वो हमें पल्मोनरी एंजियोग्राम बताएगा, ठीक है, या एंजियोग्राफी बताएगी। तो आपने सीटी पीए इसलिए याद रखना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड वेसल्स की कोई और लेस इनवेसिव इन्वेस्टिगेशन है तो दैट इज डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो आप ये भी करा सकते हो। तो आपने ये याद रखना है, ये जो पूरा फ्लो चार्ट है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में ना सबसे पहले है जनरल मेजर। सबसे पहले आपने पेशेंट को स्टेबल करना है। स्टेबल क्या करोगे, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन लगा दोगे, ठीक है, ताकि उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो मेंटेन रहे अबव 90%। और अगर पेशेंट शॉक के अंदर है तो उसको आईवी फ्लूड्स लगा दोगे और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स लगा दोगे, डोब्यूटामीन और डोपामीन वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद डायूरेटिक्स और जो वेजोडायलेटर्स हैं वो अवॉइड करने। क्यों अवॉइड करने? क्योंकि ये कर देंगे रिड्यूस प्रीलोड को। जब प्रीलोड रिड्यूस होगा तो कार्डिक आउटपुट भी रिड्यूस होगा। जब कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होगा तो पेशेंट तो ऑलरेडी शॉक में है तो वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है जनरल मेजर्स, ऑक्सीजन लगा दी, फ्लूड्स लगा दिए, और अवॉइड करना डायूरेटिक्स और वेजोडायलेटर्स को। फिर उसके बाद जो है आपके पास सेकेंड पे आता है, दैट इज जो इसका मेन ट्रीटमेंट है, दैट इज एंटी कॉगुलेशन। अब इधर ना इन्होंने एंटी कॉगुलेशन की बात ही नहीं की हुई है, इन्होंने ना बस उतारा हुआ है इसको सर से। मैं एक दफा देखती हूँ, 1 मिनट दो मुझे, कि मेरे पास किसी और बुक में हो तो मैं आपको वहां से भी दिखाती हूँ। मैंने अभी म्यूट किया हुआ था, मैं ना मैंने अनम्यूट किया। ये वहां पर एंटी कोगुलेशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ था। यू कैन नोट डाउन दिस ऑन योर बुक, और मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या नोट डाउन करना है। बेसिकली द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटी कोगुलेशन। एंटी कोगुलेशन क्या करेगा, फर्दर क्लॉट्स को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, और पेशेंट का जो रिस्क है वो डिक्रीज करेगा। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। अब एंटी कोगुलेशन में दो तरह के एंटी कोगुलेंट्स आते हैं, वन इज हेपरिन एंड अदर इज वॉरफरिन, ठीक है। हेपरिन जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली एक्ट करता है, आईवी देते हो पेशेंट्स को आप। वॉरफरिन जो है इट टेक्स टाइम टू एक्ट, इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 डेज टू एक्ट, और ये आप ओरली देते हो पेशेंट को, ठीक है। तो हेपरिन में भी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है हम वो जो है वो फेवर करते हैं, पेशेंट को फेवरेबल है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। इसकी डिटेल नहीं याद करनी, बस ये याद करना है कि हेपरिन देना है और वॉरफरिन देनी है, और इन दोनों को इकट्ठे स्टार्ट कराना है, ठीक है। इकट्ठे स्टार्ट क्यों कराते हैं, क्योंकि हेपरिन तो फॉरन एक्ट करना शुरू कर देगा और वारफरिन 5 दिन लेगा। तो जब आपने हेपरिन स्टॉप करनी है तो वारफरिन ऑलरेडी वहां पर काम करना स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए हमेशा इसको इकट्ठे स्टार्ट कराना है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये मैं जो अंडरलाइन हाईलाइट करने लगी हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज हैं तीनों, ये अपने बुक पे लिख लो।
कि अगर पेशेंट को सिर्फ डीवीटी है, काफ की डीवीटी है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे आपको थ्रोम्बस मिल गया, अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हुआ है, तो आपने एंटीकोगुलेशन सिर्फ 6 वीक्स की करनी है, ठीक है। और अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, और ट्रांजिएंट रिस्क फैक्टर है, ट्रांजिएंट रिस्क फैक्टर इज अ सर्जरी, पेशेंट के भी सर्जरी हुई है, तो 3 महीने के बाद जो है वो पेशेंट उस सर्जरी के रिस्क फैक्टर्स में से निकल आएगा, तो ट्रांजिएंट रिस्क फैक्टर है तो 3 महीने के लिए आपने उसको एंटीकोगुलेशन देनी है। और अगर आइडियोपैथिक है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, पता ही नहीं आपको, और परमानेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, परमानेंट रिस्क फैक्टर्स, अगर पेशेंट को ये जो है, पेशेंट क्रॉनिक यूज में है उसके ओसीपीज के, पेशेंट को कोई कैंसर है, मलिग्नेंसी है, ठीक है, पेशेंट ओल्ड एज है, लाइक 60+ है, तो कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है, तो ये परमानेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इसमें आपने 6 मंथ्स के लिए एक एंटीकोगुलेशन करनी होती है। ये बस 3 चीजें यहां से करने वाली हैं। ये चीज क्लियर हो गई सबको? सिर्फ डीवीटी है काफ की तो 6 वीक्स के लिए, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद ट्रांजिएंट रिस्क फैक्टर्स है तो 3 मंथ्स, और अगर परमानेंट रिस्क फैक्टर्स है तो 6 मंथ्स के लिए आपने उसको जो है देनी है। और आपकी बुक में नेक्स्ट पे थ्रोम्बोलाइसिस लिखा हुआ है, वो कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस जो है, वो हमने बात की हुई है एमआई में भी, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, इनको स्टार्ट तब कराना है जब पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर में हो। सर्कुलेटरी फेलियर का मतलब हाइपोटेंशन, ये भी प्रॉफ का एक एमसीक्यू है। वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि पेशेंट किस पेशेंट के अंदर जो है आपने थ्रोम्बोलाइज करना है, तो जब पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर में होगा, शॉक में होगा, हाइपोटेंशन स्पेसिफिकली, तो फिर आपने थ्रोम्बोलाइज करना होता है। तो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सबसे पहले आप थ्रोम्बोलाइज करते हो, क्योंकि मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देयर इज अ सर्कुलेटरी शॉक ऑनगोइंग जो कि स्टार्ट हो जाता है। ये 2 चीजें थी इसके ट्रीटमेंट में। मैं अगला डेविडसन ही शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। ओके, हमने एंटीकोगुलेशन भी पढ़ ली, थ्रोम्बोलाइसिस भी पढ़ ली। अच्छा, जो जिनके अंदर एंटीकोगुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ना, हेमरेज के रिस्क की वजह से, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से, तो उनके अंदर हम वेना कैवा के अंदर, वेना कैवा के इन इन इंफीरियर वेना कैवा के अंदर फिल्टर्स लगा देते हैं जो कि फिल्टर आउट करते हैं, इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर कहते हैं उसको। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। बस ये था आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म से, वो मेरे से पूछ ले, उसके बाद हम सार्कोइडोसिस स्टार्ट करते हैं। शॉक वाला ये है कि वो पूछते हैं कि थ्रोम्बोलाइसिस किस पेशेंट के अंदर स्टार्ट करनी होती है। थ्रोम्बोलाइसिस हम ऐसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट के अंदर स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तो हमने उस पेशेंट के अंदर स्टार्ट करनी है जिसके अंदर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है, या पेशेंट को हाइपोटेंशन है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैं आपसे ये बातें क्यों कर रही हूँ। अगर आप ये वाला पढ़ो ना, 52 ईयर ओल्ड वाला, दिस वन, अ 52 ईयर ओल्ड वुमन विद अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज एडमिटेड विद अक्यूट डिस्निया, हर रेस्पिरेटरी रेट इज 42, ऑक्सीजन इज 87, पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में एचडीयू में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, और वो ऑक्सीजन पे है और एनोक्सापेरिन पे है। एनोक्सापेरिन इज एंटीकोगुलेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइसिस, तो हाइपोटेंशन का मतलब है कि वो सर्कुलेटरी शॉक में है, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। ये एमसीक्यू होता है। और ये जो मैं बात बता रही थी, अ मिडिल एज, ये वाला, अ मिडिल एज वुमन इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ प्लूरिटिक चेस्ट पेन 10 डेज आफ्टर हैविंग अ हिस्टेरेक्टमी, देर इज अ रिस्क फैक्टर। देखो, हिस्टेरेक्टमी का पता चल गया, सर्जरी हुई है। देर इज अ क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग, तो ये चेस्ट एक्सरे मैंने आपको जैसे बताया नॉर्मल मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। ठीक है, अब चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, अब इसको करके सार्कोइडोसिस पे चलते हैं। एमसीक्यू क्लियर हो गया जो पूछ रहा था?
ओके पेज नंबर पे आ जाओ. द पेज नंबर इज 608. पेज नंबर है 608. सार्कोइडोसिस पढ़ना है हमने. सार्कोइडोसिस के बारे में मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था कि सार्कोइडोसिस एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ट्यूबरक्लोसिस का. तो ट्यूबरक्लोसिस के पल्मोनरी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं या पल्मोनरी क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या आते हैं टीबी के, टाइप कर दे कोई. ट्यूबरक्लोसिस के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं टीबी किस तरह प्रेजेंट करती है. कफ, नाइट स्वेट फीवर, वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस. ओके हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा ठीक है, तो सार्कोइडोसिस भी ना ऐसे ही प्रेजेंट करती है. तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है, लेकिन सार्कोइडोसिस में और टीबी में ना इंसिडेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, एक प्रेवलेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. मतलब कम्युनिटी मेडिसिन आ जाती है थोड़ी, मतलब कि टीबी बहुत कॉमन है और सार्कोइडोसिस थोड़ी रेयर डिजीज है. और ट्यूबरक्लोसिस भी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ट्यूबरक्लोसिस भी एक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर है. यस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी बहुत मैटर करती है. टीबी भी एक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर है, सार्कोइडोसिस भी एक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर है. और टीबी के भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सार्कोइडोसिस के भी सिम्टम्स सेम होते हैं. फर्क आता है केजिएटिंग और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास का. ये जब अगर आपको एमसीक्यू आएगा ना सार्कोइडोसिस का, तो वहां पर आपको ये डिफरेंस बता देंगे. ठीक है, तो सार्कोइडोसिस एक ग्रैनुलोमेटस इलनेस है और इसकी जो कॉज है दैट इज आइडियोपैथिक. ठीक है, आइडियोपैथिक कॉज है इसकी. और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास कॉमन है इसके अंदर. ठीक है, अब इसका जो पेशेंट होता है यूजली ये जो इसकी एथनिसिटी है दैट इज मतलब ये ज्यादा डोमिनेंट है ब्लैक वुमेन के अंदर. ठीक है, जो एथनिसिटी के अकॉर्डिंग जो ब्लैक वुमेन है, मतलब क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, 20 to 40 ईयर्स की एज में फीमेल होगी, मतलब यंग फीमेल, और जेंडर भी उसका मतलब ये जो फीमेल की तरफ ज्यादा है डोमिनेंट, और एज भी यंग है, और ये ब्लैक फीमेल होती है. ठीक है, उसके अंदर सार्कोइडोसिस. अगर आपको इस तरह की कोई हिस्ट्री और साथ पल्मोनरी साइन सिम्टम्स आ रहे हो ना, तो थिंक ऑफ सार्कोइडोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस. डिफ्रेंशिएट कैसे करना है अब हम वो देखते हैं कि किस तरह से हम सार्कोइडोसिस को और टीबी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एक डिफरेंस आपको पता चल गया केजिएटिंग और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा का. ठीक है, अच्छा बेसिकली सार्कोइडोसिस है क्या. सार्कोइडोसिस इज एन इंटरस्टीशियल लंग डिजीज. ठीक है, ये एक इंटरस्टीशियल लंग डिजीज है. इसे DPLD भी कहते हैं, डिफ्यूज पल्मोनरी लंग डिजीज. ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है. पेज नंबर इज 608. ये हम इंटरस्टीशियल लंग डिजीज में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ रहे हैं. ओके, सार्कोइडोसिस एक डिफ्यूज पल्मोनरी लंग डिसऑर्डर है, जिसे हम इंटरस्टीशियल लंग डिजीज भी या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी कहते हैं. ठीक है, और ये भी एज इट इज आपके पास नाइट स्वेट्स के साथ, फीवर, वेट लॉस के साथ और क्रॉनिक इलनेस होती है, ऐसे ही प्रेजेंट करती है. लेकिन इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि टीबी के अंदर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होती है, हाइलर लिम्फ नोड, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड, इवन एक्सिलरी. वो टीबी तो पूरी बॉडी के कहीं पे भी लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट करा सकती है. जो सार्कोइडोसिस है ना दैट इज नोन फॉर इज बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. मतलब आपको हाइलर एरिया जो होता है ना एक्सरे पे, अगर मुझे यहाँ पर कहीं मिलती है पिक्चर तो मैं आपको दिखाती हूँ. बायलैटरली हाइलर लिम्फ नोड्स आपको इनलार्ज मिलेंगे, एक ओपेसिटी के एरियाज मिलेंगे आपको दोनों साइड्स पे हाइलम पे लंग पे एक्सरे पे. तो ये है डायग्नोस्टिक पॉइंट एक सार्कोइडोसिस का, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी.
पर अगर सार्कोइडोसिस का पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो ना, फिर भी आपको बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है उसके अंदर। अच्छा, सार्कोइडोसिस हमारे हेड टू टो हर बॉडी ऑर्गन को, हर बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। आईज में चले जाएं तो यूवियाइटिस, कंजक्टिवाइटिस कराता है। हमारी स्किन के ऊपर कहते हैं ल्यूपस परनियो, LUPUS, ल्यूपस परनियो, PERNIO, ल्यूपस परनियो। मैं ये निकाल लेती हूँ, टेबल बना हुआ है। ये सारी इसके लिखी हुई है ना, क्लिनिकल फीचर्स, आई गेस इसके अंदर लिखा होगा, या अगर नहीं लिखा हुआ, हाँ ये जो 17.72 बॉक्स बना हुआ है ना, इसके अंदर इसके सारे क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए हैं, और 17.59 के अंदर उन्होंने लहदा लहदा हर किसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। हम एक एक करके पढ़ लेते हैं उसको। अच्छा, आई के अंदर ये एंटीरियर यूवियाइटिस, कंजेक्टिवाइटिस करा सकता है, ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट कराता है, तो ये याद रखना है। समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर पेरोटिड ग्लैंड की हिस्ट्री होती है कि पेरोटिड ग्लैंड इनलार्ज है, ठीक है। और फिर लिम्फोडिनोपैथी, बायलैटरल लिम्फोडिनोपैथी, हाइलर लिम्फोडिनोपैथी कराता है, हार्ट के ऊपर तो हार्ट ब्लॉक्स कराता है, और सडन डेथ एरिदमियाज करा सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन में आपको ग्लैंड की इनलार्जमेंट का बता सकते हैं, हाइलर लिम्फोडिनोपैथी का बताते हैं, और ये है ल्यूपस पर्नियो। ल्यूपस पर्नियो का मतलब है स्किन के ऊपर आपके रेज्ड पैचेस बन जाते हैं, पर्पलिश रेज्ड पैचेस, इसको कहते हैं ल्यूपस पर्नियो, और ये इसका एक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, ल्यूपस पर्नियो, ठीक है। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज एरिथीमा नोडोजम। शिन के ऊपर जो है पेनफुल रेड रेज्ड लियंस बन जाती हैं, दैट इज एरिथीमा नोडोजम। नोड्यूल्स बन जाते हैं शिन के ऊपर, पेनफुल होते हैं ये, और ये भी इसका एक डायग्नोस्टिक फीचर है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ल्यूपस पर्नियो इसका एक अगर प्रेजेंट है तो दैट इज इट्स पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। एरिथीमा नोडोजम का प्रेजेंट होना शो करता है कि डिजीज इज ट्रीटेबल, इसका ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, ठीक है। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स, और ये हर बॉडी सिस्टम को करता है, स्किन को, ऑकुलर सिस्टम्स और सिम्टम्स, एरिथीमा नोडोजम, रेस्पिरेटरी हमने पढ़ लिए हैं, और लिम्फोडिनोपैथी पूरी बॉडी में कहीं पे भी ये कर सकता है। ऊपर ही आ जाओ पेज नंबर 608 पे, उधर एक वर्ड लिखा हुआ था, लॉफग्रेन सिंड्रोम। अच्छा, आप लोगों को किसी को पता है कि लॉफग्रेन एक टर्म तो आपने पहली दफा सुनी होगी, आपने लॉफलर्स एक टर्म पढ़ी होगी, लॉफलर्स सिंड्रोम। अच्छा, ये मैं बताती हूँ ये क्या होता है, लॉफलर सिंड्रोम। पहले हम लॉफग्रेन सिंड्रोम को पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो हाँ बिल्कुल ये सही बता रही हो, इसको हम करते हैं, इयोसिनोफीलिया होता है, उसके अंदर पैरासिटिक डिजीज होती है, उसके उसका एक सिंड्रोम होता है जिसको हम लॉफलर सिंड्रोम कहते हैं, इयोसिनोफीलिया मिलता है। लेकिन जो लॉफग्रेन सिंड्रोम है, हमने पढ़ा है सार्कोइडोसिस एक क्रॉनिक इलनेस है, ठीक है, क्रॉनिसिटी चल रही होती है। लेकिन अगर यही प्रेजेंटेशन अक्यूट में आ जाए, अक्यूट इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एरिडीमा नोडोजम और यूवियाइटिस, बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी, तो दैट इज अक्यूट सार्कोइडोसिस, जिसे हम लॉफग्रेन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब लॉफग्रेन सिंड्रोम है सार्कोइडोसिस के अंदर, ठीक है, और जो लॉफलर सिंड्रोम होता है वो एक पैरासिटिक इलनेस है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसके अंदर आपको इयोसिनोफीलिया मिलता है लैब फाइंडिंग्स के अंदर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लॉफग्रेन और लॉफलर जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। लॉफग्रेन जो है अक्यूट सार्कोइडोसिस है, और समटाइम्स इसका एमसीक्यू भी आता है, मैं इन पर आपको दिखाती हूँ किस तरह आता है। फिर उसके बाद ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब हम चलते हैं इसके ना 17.73 जो बॉक्स बना हुआ है, चेस्ट एक्सरे चेंजेस इन सार्कोइडोसिस। इन्होंने इसमें सिर्फ बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी के साथ बात की हुई है और पैरेन्काइमल इनफिल्ट्रेट्स के साथ बात की हुई है। इन्होंने ना चार स्टेजेस में इसको डिवाइड कर दिया है। स्टेज वन इज सिर्फ बायलेटरल जो है हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है, और कोई पेरेन्काइमा के अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं है, मतलब लंग्स के अंदर और कोई फाइंडिंग नहीं है।
स्टेज टू में बाइलेटरल हाइलर लिम्फ डिनोपैथी के साथ साथ पैरेन्काइमा में इनफिल्ट्रेट्स हैं, ठीक है। स्टेज थ्री में बाइलेटरल हाइलर लिम्फ डिनोपैथी खत्म हो गई है और सिर्फ पैरेन्काइमल इनफिल्ट्रेट्स रह गए, और स्टेज फोर में पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। ये आपने इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यू में आती है, स्टेजेस पूछते हैं आपसे एमसीक्यू में, स्टेज वन टू थ्री और फोर। स्टेज वन के अंदर सिर्फ बायलेटरल लिम्फोडिनोपैथी थी, स्टेज टू के अंदर विद पेरेनकाइमल इनफिल्ट्रेट्स एंड बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी, और स्टेज थ्री के अंदर बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी खत्म और सिर्फ पेरेनकाइमल इनफिल्ट्रेट्स रह गए, और स्टेज फोर के अंदर वो कंप्लीटली डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर ना जो ग्रेनुलोमास बनते हैं ना, उसके अंदर एक एंजाइम होता है वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज के लेवल जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है वो जो ग्रैंडोलोमा होता है। जब वो वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज के लेवल ज्यादा सिक्रीट करेगा तो दैट इज एन एंजाइम जो कि वाइटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को इनहेंस कराता है, वाइटामिन डी की सिंथेसिस ज्यादा करवाता है, ठीक है। तो ग्रैंडोलोमा में वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज ज्यादा होने की वजह से इसमें हाइपर विटामिनोसिस होती है डी की, मतलब हाइपर वाइटामिन डी के लेवल्स रेज्ड होते हैं इसके अंदर। वाइटामिन डी के लेवल रेज होंगे तो इन पेशेंट्स को हाइपरकैल्सीमिया भी होता है, तो वाइटामिन डी का लेवल चेक कराते हैं सार्कोइडोसिस के अंदर, और कैल्शियम का लेवल चेक कराते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक और एबिलिटी होती है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट कराता है ये वाले जो ग्रैंडोलोमास होते हैं लंग्स के अंदर, तो सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लेवल्स चेक कराते हैं। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हो गई अभी तक, हमने एक्सरे करा लिया है पेशेंट का, हमने सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करा लिया पेशेंट का, विटामिन डी करा लिया है, कैल्शियम करा लिया हमने, ठीक है। जो अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे हिस्टोलॉजी के ऊपर हमने इसको डायग्नोस करना होता है, बायोप्सी के ऊपर हमने इसको कहना होता है ये सार्कोइडोसिस है। हम बता सकते हैं कि पेशेंट सस्पेक्ट कर सकते हैं एस का लेवल अगर रेज है, हाइपरकैल्सीमिया है, विटामिन डी के लेवल भी रेज है, लेकिन हम डायग्नोस्टिक नहीं बता सकते, मतलब उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि इसको सार्कोइडोसिस है। तो हमें प्रॉफ में ये एमसीक्यू आया हुआ था कि व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर सार्कोइडोसिस, दैट इज सीटी गाइडेड बायोप्सी, मतलब सीटी स्कैन से देखेंगे हम स्क्रीन पे और नीडल इंसर्ट करेंगे या ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम बायोप्सी लेंगे। तो सीटी गाइडेड बायोप्सी जो है दैट इज इट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसकी बायोप्सी जो है वो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सारी चीजें थी, अब आ जाते हैं हम, ये सारी थी इसकी इन्वेस्टिगेशन, अब आ जाते हैं हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में वो कहते हैं कि एरिडिमा नोडोसम एक पेनफुल है और इन्फ्लेमेटरी जो है लीजन्स होती हैं, बस उसमें आप एनसेड दे के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर तो पेशेंट को कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है तो आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टार्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्गन डैमेज का क्या मतलब है, मतलब पेशेंट को बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी है सिर्फ, और कोई पैरेन्काइमल इनफिल्ट्रेट्स नहीं है लंग के अंदर, कोई हाइपरकैल्सीमिया नहीं है, कोई रीनल इम्पेयरमेंट नहीं है, या कोई ऑकुलर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो आपने उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विदहेल्ड करने हैं, सिर्फ एनसेड यूज करो पेशेंट के अंदर और पेशेंट रिकवर कर जाएगा। जैसे लॉफग्रेन सिंड्रोम है, लॉफग्रेन सिंड्रोम में भी बस आप पेशेंट को एनसेड देते हो और पेशेंट रिकवर कर जाता है, ठीक है, रेस्ट एंड एनसेड। लेकिन अगर पेशेंट को पल्मोनरी और या हाइपरकैल्सीमिया, रीनल इम्पेयरमेंट और यूवेआइटिस के सिम्टम्स हैं तो स्टार्ट करानी पड़ेगी प्रेडनिसोलोन आपको, ठीक है। जो अब मैंने बताया था ना आपको कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं एज ओवर 40 और कैरेबियन एथनिसिटी, परसिस्टेंट सिम्टम्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और स्टेज थ्री और फोर है चेस्ट एक्सरे पे, ल्यूपस पर्नियो है, और वो पूछते हैं गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, तो प्रेजेंस ऑफ एरिडिमा नोडोसम इज अ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, वो इस तरह से पूछते हैं आपसे, ठीक है। ये थी इसकी सारी मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशंस और इसके क्लिनिकल फीचर्स। बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी से आपने ना इसको डायग्नोस करना होता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बस लास्ट चीज है बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी कैसी होती है।
ये है बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ये दोनों जो हैं लंग्स के बिल्कुल जो हार्ट के बॉर्डर्स के साथ लंग्स के बिल्कुल करीब एरियाज है, वो हाइलर एरियाज हैं और वो आपको कितने ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। नॉर्मल एक्सरे ग्रुप में मैंने जो शेयर किया था कल, उसको देखो, बिल्कुल भी इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते एरियाज। ये दोनों एरियाज शो करते हैं बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। एक्सरे को देख के बताया जा सकता है कि ये फीमेल का एक्सरे है या मेल का एक्सरे है। बताया जा सकता है अगर किसी को आइडिया हो के एक्सरे को देख के, क्या हम बता सकते हैं कि ये फीमेल का एक्सरे है या मेल का एक्सरे है। अगर नहीं पता तो बताओ, मैं आगे इसका आंसर कर देती हूँ। ओके ठीक है, तो इसमें आपको ब्रेस्ट का शेडो नजर आता है। अगर आप देखो तो आपको ये बिल्कुल नीचे जो है ब्रेस्ट के दो शेडो नजर आ रहे हैं, ये फीमेल का एक्सरे है। इससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नजर आ रहा है यहाँ पर मेरे पास कुछ, मेरा ख्याल वो नहीं होगा जिससे मैं पॉइंट आउट कर सकूं। मैं आपको ना ग्रुप में सेंड करती हूँ, लेकिन ये ब्रेस्ट के शेडो से आपको पता चल जाता है कि ये फीमेल का एक्सरे है। नहीं, वो डायफ्राम नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको, डायफ्राम अलहदा है। आई थिंक मैं कर सकती हूँ यहाँ पर, दिस इज डायफ्राम, ठीक है, और दिस इज द शेडो ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया ये। यस चलो ठीक है, ये था आप लोगों का आज का टॉपिक दोनों, और बस कल इंशाल्लाह हम लोग एक टॉपिक रह गया एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस वाला, वो देख लेंगे और फिर आपका रेस्पिरेटरी खत्म हो जाएगा। हाँ जी कल ऑफ है। नहीं, कल ऑफ है। ओके अल्लाह हाफिज। यस बिल्कुल, अल्लाह हाफिज।